है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज पूरे दिन उनके ट्वीट का इंतजार किया जा रहा था, अब जब आंकड़े देश के सामने आ गए हैं तो पीएम की ओर से ट्वीट किया गया है। बीजेपी दफ्तर आने के ठीक पहले उन्होंने लिखा है, देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूँ। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि उनके आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, मैं इसके लिए हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट करते हुए अपने कार्यकर्ताओं का, देश की जनता का, जनार्दन का आभार व्यक्त किया गया है। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर आने वाले हैं। यहाँ पर जश्न की बड़ी है तैयारी। सड़क पर पटाखे फूट रहे हैं, ढोल नगाड़े इस वक्त बजाए जा रहे हैं। तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है इस वक्त। और श्वेता, मैं बीजेपी दफ्तर में मौजूद हूँ और आपको बताते चले, यहाँ पर जश्न की तैयारी है। ये सच बात है कि सीटें पिछले बार के मुकाबले काफी ज्यादा कम आई है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए ये तैयारियां की गई हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता दूर दूर से आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, जिनका इंतजार किया जा रहा है। तो जरा एक बार, कहाँ है आपकी टीम, जरा बजाकर दिखा दीजिए पीएम के स्वागत के लिए। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी, हालांकि सीटें पिछले बार के मुकाबले काफी ज्यादा कम हो गई है, लेकिन उसके बावजूद एनडीए की यहाँ पर शानदार तरीके से जीत हुई है। 272 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए।